व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू एंड्रॉयड बार। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह हम अपने फ़ोन के अंदर जो है स्लो मोशन एंड फास्ट वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो आज की इस वीडियो को जरूर से ला सकते हैं देखिएगा, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप जो है टिकटॉक यूज़र हैं सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लें और वीडियो को भी लाइक कर ताकि इस तरह की हेल्पफुल नोटिफिकेशन जो है वीडियोज़ को आपको मिलता रहे। सो कमेंट कर सकते हैं अपनी डिमांडेड वीडियो, मैं नीचे आपको बना के दिखा दूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें जिसका नाम इंट्रो क्रिएटर। तो बहुत ही यूज़फुल सी एप्लीकेशन है, मैंने काफ़ी जो है जैसे इसको सर्च कर रहा था इस तरह की एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप अपनी वीडियोज़ वगैरह को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद एडिट भी कर सकते हो और साथ में अपनी वीडियोज़ वगैरह में जो है उसको भी ला कर जो एडिट कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर जो है अपनी वीडियोज़ को पहले से कैप्चर कर चुके हो तो यहाँ पर आप एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिएगा और यहाँ पर मैं जो है कुछ रैंडमली एक वीडियो ले रहा हूँ इस तरह की, ये देख सकते हैं। इसको अपने लेने के बाद ऊपर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर अपने टाइप कर लेना है और ये जो है बिल्कुल वीडियो एडिटिंग प्रोसीजर में आ चुकी है। सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्लो मोशन आपको बीट्स देखने को मिल रही हैं, लेंथ वगैरह। सो इन तमाम फीचर को मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जो है स्लो मोशन जो यूज़ करके दिखाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र की डिमांड थी। सो यहाँ पर आप जो है स्लो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर पानी की यहाँ पर स्पीड देखते हैं बिल्कुल कम हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर जो है तेज़ कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी की स्पीड जो है बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है इसमें कुछ बीट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ही यहाँ पर बीट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो कंप्लीट वीडियो बहुत ही आसानी से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं रोक रोक कर। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो कुछ जूम वगैरह यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, लेंस वगैरह, तो यहाँ पर मैं जूम ऐड कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं खुद बहुत इसने जूम कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो है कुछ जो है लेंस वगैरह आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं सो यहाँ पर लेंस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह का वीडियो आपके फ़ोन में कैप्चर होगा। सो ये बिल्कुल जो है गूगल लेंस की तरह यहाँ पर पिक्चर कैप्चर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ और भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पिन मोड भी है, सो इसमें आपने अपनी वीडियो को स्पिन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको स्पिन वाले ऑप्शन भी टाइप करके दिखा देता हूँ, ये देखते हैं। इसी तरह जो अपनी वीडियो को स्पिन वगैरह भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल से फीचर है, आप अपने फ़ोन में इसको ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी ब्लैक एंड वाइट वाला फीचर भी है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट। सो इसमें यहाँ पर आप दोनों कोई भी फीचर जो है अपने मर्जी के मुताबिक इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको पल्सिस वाला भी फीचर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सा फीचर है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा देता हूँ तो वीडियो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग के हिसाब से इसको कैप्चर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं फास्ट मोशन एंड स्लो मोशन। और इसमें जो जो मैंने फीचर जो है यहाँ पर ऐड किए हैं वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, जूम इन जूम आउट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं लेंस वाला फीचर मैंने यहाँ पर जो है उसका जो उसको यहाँ पर अप्लाई किया था तो ये कुछ लेंस वाला फीचर है। सो ये स्पिन वाला फीचर आ गया इसमें और इसी तरह जो कोई भी फीचर आप यहाँ पर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसका मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाकर आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा सो इसको जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। सो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं इस तरह के टच में अगली वीडियो में, अगली दफ़ा तब तक के लिए बाय बाय।